लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपन का जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन होती है। क्या होती है? मशीन होती है। और उससे अपन को कार्य करवाने के लिए हमको उसको क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? निर्देश। तो कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश। और जब उसको निर्देश दिए जाते हैं तभी वह क्या करता है? कार्य करता है। और इसी निर्देशों के समूह को, इसी इंस्ट्रक्शंस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। और क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम्स का जो समूह होता है, प्रोग्राम्स का जो समूह होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन से कार्य करवाने के लिए अपन को उसको क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। और इन्हीं निर्देशों का ग्रुप होता है, समूह होता है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स। और जो प्रोग्राम्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका जो समूह होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या निकल कर आती है? इसकी परिभाषा क्या निकल कर आती है कि प्रोग्राम एवं प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम एवं प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स या उसके समूह, उसके समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक तो यह परिभाषा हो जाती है। अब देखिएगा दूसरी परिभाषा मैं आपको और बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं उसे अपन छू नहीं सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम केवल देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसको हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यानी हम अंदर जाके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, फिर तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो अब देखिएगा, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि प्रोग्राम से प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और दूसरी की वे सभी भाग जिसको अपन देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इसके प्रकार, इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। पहला जो इसका टाइप है वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा इसका जो टाइप्स है वह कौन सा है? वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो इसका तीसरा जो सॉफ्टवेयर है उसको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसके टाइप्स हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी हो गया। और अब इसके बारे में अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिएगा, ये अपन में इसमें इसका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई और टाइप्स हो गए। अब टाइप्स का क्या करेंगे? अपन वर्णन करेंगे। यानी कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक डिब्बे के समान है। उसका कोई यूज नहीं होता। जब उसमें सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तभी वह एक्टिव होता है, उसके हार्डवेयर एक्टिव होते हैं, अन्यथा वह एक डिब्बे की भांति या कचरे की भांति होता है और वह कुछ काम का नहीं होता। तो जिस तरह मनुष्य के लिए रक्त की जरूरत होती है, उसी तरह कंप्यूटर
कंप्यूटर को एक्टिव करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहला कौन सा था अपन का, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के वे सभी भाग या कंप्यूटर के वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उन्हें अपन को क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब देखिएगा इसके क्या क्या अपन को फायदे मिलते हैं। तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तभी जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वे प्रोग्राम क्या हो पाते हैं, एक्टिव हो पाते हैं। अन्यथा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं है तो फिर प्रोग्राम एक्टिव नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार देख सकते हो कि ये क्या करता है, जो यूजर होता है और कंप्यूटर होता है उसके मध्य समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, यानी यूजर एंड कंप्यूटर के मध्य रिलेशन स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। और अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वे कंप्यूटर के भौतिक भाग उस भौतिक भाग की जो क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो उस सभी पे कंट्रोल कौन रखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार और बात करें तो जो कंप्यूटर्स के जो अदर्स सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के लिए ये क्या होता है, आधार होता है तथा अन्य सॉफ्टवेयर्स होता है उसको ये नियंत्रित करता है। तो अब मैंने बता दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं एक्टिव इसी के कारण होते हैं, उसी प्रकार यूजर और कंप्यूटर के मध्य रिलेशन स्थापित करता है, कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस उनकी जो एक्टिविटीज है उसको नियंत्रित करता है, और अदर सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उसको यह आधार प्रदान करता है। अब अपन बात करें इसके टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके टाइप्स में देखिएगा अपन पढ़ेंगे एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके टाइप्स बता रहा हूं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक कह सकते हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और एक जो तीसरा आता है वो कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। तो तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कह सकते हो अपन इसको लैंग्वेजर ट्रांसलेटर और तीसरा कह सकते हो अपन ये अपन का डिवाइस ड्राइवर। तो अब अपन इस तीनों के बारे में वापस अध्ययन करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला कौन सा बताया मैंने आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसके माध्यम से हार्डवेयर की जो क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसके माध्यम से कि जो हार्डवेयर हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है तो उसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो कंप्यूटर के वे सभी सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैं आप बता देता हूँ कि ये दो बेस्ट पैर होते हैं, एक तो CUI और एक होता है GUI, यानी इसको कह सकते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस और ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसका अपन उस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसमें केवल जो कमांड्स होती है वह करेक्टर CUI में केवल करेक्टर के रूप में दी जाती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो कमांड है वह ग्राफिक्स के रूप में दी जा सकती है। और एग्जांपल के लिए DOS, DOS CUI का उदाहरण है। उसी प्रकार जो लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये अपन का GUI का उदाहरण है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपन अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूं वह है अपन का भाषा संसाधक या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, भाषा संसाधक जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। अब भाषा संसाधक क्या होता है, भाषा संसाधक क्या होता है? तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा और मशीनी भाषा को, ध्यान देना, प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा और जो मशीनी भाषा है उस मशीनी भाषा को किसमें ट्रांसफर करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, भाषा संसाधक या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, भाषा संसाधक या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखिएगा इसके मैं टाइप्स बताने जा रहा हूँ, इसके जो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसके जो टाइप्स है देखिएगा, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले असेंबलर। क्या होता है असेंबलर, ये क्या करता है? तो ये जो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम्स होते हैं, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम्स होते हैं उस असेंबली भाषा से किसमें ट्रांसफर करता है, मशीनी भाषा में ट्रांसफर करता है। तो वे प्रोग्राम्स जो किसमें लिखे हुए हैं, असेंबली भाषा में लिखे हुए हैं, असेंबली भाषा में लिखे हुए हैं, उसको किसमें ट्रांसफर करता है, तो उसको ट्रांसफर करेगा मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा में। क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स लिखे गए वो किसमें लिखे गए, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, लो लेवल की जो लैंग्वेज है उसमें लिखे गए हैं। तो ये क्लियर हो जाता है असेंबलर, असेंबलर क्या है? तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। दूसरा कंपाइलर, कंपाइलर ये क्या होता है? तो ये भी क्या करता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या फिर वो कोई हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। लेकिन देखिएगा इसमें लो लेवल लैंग्वेज थी, असेंबलर में लो लेवल लैंग्वेज थी, उसको किसमें कन्वर्ट किया, मशीनी भाषा में। और कंपाइलर है वह क्या कर रहा है, जो
प्रोग्राम किस में लिखे गए हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस है, जावा है, वगैरह लिखे गए हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में देखिएगा, ये असेंबलर था। उसके बाद में देखिएगा तीसरी अपन बात करते हैं, एक तो असेंबलर हो गया, असेंबलर, दूसरा कंपाइलर हो गया, और तीसरा जो अपन का है वह रहेगा कौन सा? तो इंटरप्रेटर। ये क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये भी प्रोग्राम्स को जो किसमें लिखे गए हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज है मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज है मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो रहा है, तो आखिर डिफरेंस क्या है? तो इसमें एक डिफरेंस बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वह क्या है कि एक बार में पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाता है, पूरा का पूरा पेज ट्रांसलेट हो जाता है। तो एक ही बार में पूरा का पूरा जो पेज है वह क्या हो जाता है? ट्रांसलेट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो ट्रांसलेट होता है वह ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन होता है। कैसा होता है? लाइन बाय लाइन होता है। तो ये इसका मुख्य डिफरेंस है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है मशीनी भाषा में, और कंपाइलर है वह पूरा का पूरा पेज एक साथ में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये हो जाता है, देखिएगा, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, और इंटरप्रेटर हो गया। तीन हो गए। एक किसके पार्ट्स थे? भाषा संसाधक के, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका टाइप सा सिस्टम, या फिर कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब अपन जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा भाषा संसाधक हो गया, और तीसरा अपन पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो कंप्यूटर से, या फिर कह सकते हो कि कंप्यूटर पर अगर कोई भी हार्डवेयर जोड़ा जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए अपन को जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि मान लीजिएगा ये कंप्यूटर है, इसके साथ में अपन को प्रिंटर कनेक्ट करना है, या फिर कह सकते हो इसके साथ में अपन का स्क्रैनर कनेक्ट करना है, या फिर वेबकैम कनेक्ट करना है। तो इन सारे हार्डवेयर्स को कंप्यूटर के साथ में जोड़ने के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और उस सॉफ्टवेयर को ही क्या बोला जाता है? डिवाइस ड्राइवर। तो ये अपन का पूरा हो जाता है। सबसे पहले मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा बता दी, इसके उपयोग बता दिए, इसके प्रकार बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा संसाधक और डिवाइस ड्राइवर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको थोड़ा बता दिया था, फिर बोला था मैंने कि मैं आपको इस पूरा का पूरा वीडियो में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद में देखो भाषा संसाधक, इसमें भी मैंने तीन टाइप्स बता दिए, देखो असेंबली, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया डिवाइस ड्राइवर। तो ये एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया था कि अपन का ये टॉपिक पूरा हो जाता है। कौन सा टॉपिक था अपन का? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका पार्ट था? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो पूरा का पूरा अपन ने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन जो आगे जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा रहेगा? तो अभी तक तो तीन टॉपिक है अपन के पास में। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स है? तीन। एक तो कौन सा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा कौन सा था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अभी जो अपन डिस्कशन करेंगे वह किसके बारे में करेंगे? वह अपन डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो अपन का हो गया पहला टाइप्स, उसके बाद में अपन का दूसरा टाइप्स कौन सा आता है, तो दूसरा टाइप्स है वह अपन का कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए किए जाते हैं या उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं उसे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, या फिर दूसरी परिभाषा के रूप में ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जो यूजर यानी उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपन पढ़ेंगे सामान्य सॉफ्टवेयर और एक अपन पढ़ेंगे विशेष सॉफ्टवेयर। किसके टाइप से है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, एक तो अपन पढ़ने जा रहे हैं सामान्य सॉफ्टवेयर, दूसरा पढ़ेंगे अपन विशेष सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरली काम करते हैं, जो सामान्य काम करते हैं, जो हर जगह पे यूज में आते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सामान्य सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे, सामान्य सॉफ्टवेयर। जैसे कि अपन उदाहरण लेते हैं एमएस ऑफिस, तो ये कैसा है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो हर प्रकार के कार्यों में यूज में आता है और अपन जनरली इसको यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। जबकि विशेष सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए, विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपन बात करते हैं कि अगर अपन को स्प्रेडशीट से संबंधित काम करना है, स्प्रेडशीट से संबंधित कोई काम करना है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, तो हम ले सकते हैं कि एमएस एक्सेल को यूज करेंगे या फिर के स्पेड का यूज करेंगे या फिर लोटस का यूज करेंगे, करते हैं ना। उसी प्रकार मान लीजिएगा अपन को वर्ड से संबंधित कोई काम करना है तो अपन या तो फिर एमएस वर्ड लेंगे या फिर नोट पैड लेंगे या फिर वर्ड पैड लेंगे या फिर बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर लेंगे, तो बहुत सारे अपन को अवेलेबल हो जाते हैं जो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए डिजाइन किए गए। उसी प्रकार देखो प्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए पावर पॉइंट आता कि नहीं आता, पावर पॉइंट, फिल्मोरा वगैरह बहुत सारे आते हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि अपन का मान लीजिए का अकाउंटिंग का काम करना है, क्या करना है, अकाउंटिंग का, किसका काम करना है, अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग का काम करने के लिए जैसे कि टैली आता है, कौन सा आता है, टैली आता है, मुनीम जी आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपन को अवेलेबल हो जाते हैं जो विशेष रूप से काम करते हैं। आप देखते हो कि बैंकों में बैंक संबंधी कार्य करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो ये विशेष सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अपन ने सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लिया है। अब अपन जो तीसरे प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन से थे, तो तीसरे प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है वह अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है अपन का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं इसको यहीं पे इस साइड ही पढ़ा देता हूं। तो तीसरा अपन का जो सॉफ्टवेयर है वह कौन सा है, यूटी
लीडिंग सॉफ्टवेयर। ये कैसे सॉफ्टवेयर हो गए? तो मैं आपको बता देता हूं कि वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रखरखाव, किससे रखरखाव एवं मरम्मत से रिलेटेड होता है, मरम्मत यानी जो रिपेयरिंग का काम होता है उससे ये रिलेटेड होता है। तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो किससे, या तो फिर कंप्यूटर के रखरखाव या फिर उसकी मरम्मत से संबंधित होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये भी अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। अब मान लीजिएगा, और मैं बता देता हूं कि अगर कंप्यूटर में कोई एडिटिंग एरर आ जाती है, क्या आ जाती है, एडिटिंग एरर्स आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हो कि कंप्यूटर में बहुत सारे, जैसे कि कैलेंडर है, कैलकुलेटर्स है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ये सभी हेल्प करते हैं कंप्यूटर के रखरखाव मरम्मत में, हेल्प करते हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे अपन का जो रिसाइकिल बिन आता है, रिसाइकिल बिन वगैरह, तो ये किसके पार्ट्स होते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत सारे, जैसे कि अपन की जो हार्ड डिस्क होती है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसमें वायरस वगैरह नहीं आए, तो उसके लिए अपन उसको समय समय पर वापस क्या करते हैं, सही करने के लिए स्कैन डिस्क करते हैं। जो अपन की क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, तो अपन उसको समय समय पर क्या करते हैं, स्कैन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो स्कैन का जो काम आता है, स्कैन का जो कार्य होता है, वह किसके द्वारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ताकि उसकी जो क्षमता है वह बढ़ सके। उसी प्रकार मान लीजिएगा कि अपन अपन के जो डिस्क है, उस डिस्क में स्पेस नहीं है और हम उसके अंदर डाटा और थोड़ा भरना चाहते हैं, थोड़ा उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, मान लीजिएगा कम स्टोरेज पे अपन के पास में क्या है, कम स्टोरेज है, तो उस समय अपन को थोड़ा उसमें कोई डालना है, तो उसको अपन को कंप्रेसिंग प्रोग्राम आते हैं। क्या आता है, कंप्रेसिंग प्रोग्राम्स। तो जो कंप्रेसिंग प्रोग्राम्स वो पार्ट है, वह किसका है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए यानी फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते कि नहीं होता है, माई कंप्यूटर्स, माई डॉक्यूमेंट्स, तो वह सब किसके पार्ट है, वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो पहले से कंप्यूटर में होते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर किसका उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही तो उदाहरण है। तो ये अपन का डिस्कशन हो जाता है। उसी प्रकार देखो, वायरस आते हैं ना, वायरस, तो वायरस को स्कैन करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए क्या आते हैं, एंटीवायरस, क्या आते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स आते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है। तो अपन ने सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स डिस्कशन कर लिए, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद में भी मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स थे, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रकार भाषा संसाधक और डिवाइस ड्राइवर पढ़ा दिया मैंने आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स सामान्य और विशेष वो भी पढ़ा लिया, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपको पढ़ा दिया। तो आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, आगे अपन नेक्स्ट में और देखेंगे। धन्यवाद।